तो गाइस आज है सैटरडे और मैं सैटरडे के लिए लेकर आता हूँ आप सबके लिए टेक टाइम गाइस। तो अभी टेक टाइम का एपिसोड नंबर 3 है गाइस। तो इसमें आपको काफ़ी कमाल का न्यूज़ मिलने वाला है, तो आज वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबाओ, जिससे मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों जल्दी शेयर कर दो गाइस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला न्यूज़ आता है गाइस Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने गाइस यहाँ पर एप्पल को पीछे छोड़ दिया फोन मार्केटिंग में गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग उसका Xiaomi का जो फोन आता है, इसीलिए ज़्यादा मतलब वो बजट में भी रहता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन भी रहता है और ज़्यादा MP कैमरा भी दिया जाता है। तो गाइस Xiaomi ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया गया फोन मार्केटिंग में बनाने में। तो गाइस अभी Xiaomi सेकेंड नंबर पर है गाइस। आपको वन नंबर कौन है गाइस, वन नंबर कौन बैठा हुआ है फोन मार्केटिंग में, आप कमेंट करके बता सकते हो गाइस अगर आपको मालूम है। तो अभी एप्पल थर्ड नंबर पर आ चुका है और Xiaomi सेकेंड नंबर पर है, और फर्स्ट नंबर कौन है गाइस आप कमेंट करके बताओ। तो आप क्या सोचते हो ये एप्पल के बारे में, क्या ये एप्पल को थोड़ा कम प्राइस में फोन लॉन्च करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करो, अपना राय जरूर बताना। तो ऐसा तरफ चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो गाइस दूसरा न्यूज़ आता है गाइस वीवो की तरफ। वीवो S10 गाइस वो चाइना में लॉन्च हो गया है, जिसमें गाइस प्रोसेसर दिया गया है Dimensity 1100 और वो 5G फोन है। और गाइस हम बात कर ले कैमरा ऊपर, तो यहाँ पर 3 लेयर आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको मेन कैमरा 108 MP का दिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा फोन है गाइस। तो आप कमेंट कर बताओ वीवो की तरफ से, क्या ये फोन आपको इंडिया में आए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अपना राय कमेंट कर जरूर बताना गाइस। तो हम तब चलते हैं तीसरे न्यूज़ की तरफ। तो तीसरा न्यूज़ ये है कि गाइस जो आप इमोजी यूज करते हो, बहुत सारे इमोजी यूज करते हो, लेकिन 2021 में ट्विटर पर सबसे ज्यादा इमोजी कौन सा यूज किया गया, क्या आपको पता है गाइस? मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर जो आप हंसते हो गाइस, यहां पर दांत फाड़ के और साथ में आंसू भी निकाल लेते हो, तो काफी इंटरेस्टिंग वो इमोजी है गाइस 2021 में सबसे ज्यादा गाइस वो अभी ट्विटर पर यूज किया गया है। और सेकंड नंबर कौन सा इमोजी यूज हुआ है आपको मालूम है, आप कमेंट करके बताओ गाइस, कमेंट वो इमोजी लिखो और सेकंड नंबर पर आप लिख सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग ये न्यूज है। तो गाइस आप कमेंट बताओ, ये न्यूज आपको पता था। तो गाइस हम चलते हैं चौथे न्यूज की तरफ। तो गाइस यहां पर चौथा न्यूज गाइस पोको F3 GT गाइस वो 23 जुलाई को लॉन्च होने वाला गाइस, वो भी गेमिंग फोन की तरह होने वाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग आप गेम खेल सकते हो, जैसे इसमें प्रोसेसर Dimensity 1200 या कुछ और हो सकता है, लेकिन गाइस वो 23 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा इस मतलब मार्केट में, यानी वो लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस आप कमेंट करो आप क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हो उस फोन के लिए, पोको F3 GT। और गाइस ये फोन कैसा है गाइस आप कमेंट करो बताओ, कि आप वो जब लॉन्च हुआ तो आप उसे लेना चाहोगे कि नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन है, तो जैसा ही वो लॉन्च हुआ या फिर कुछ भी उसके बारे में लीक अच्छा मिलेगा तो गाइस आपको वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस हम तो चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। तो गाइस सबसे लास्ट न्यूज़ गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। यहाँ पर जो आप यूज करते हो Redmi Note 10 गाइस, आप प्रो भी यूज किए हो, तो गाइस यहाँ पर Redmi Note 11 Pro गाइस जिसमें 200 MP का भी कैमरा देखने को आपको मिल सकता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन होने वाला Redmi की तरफ से। आई थिंक वो जो आने वाला फोन होगा Redmi तरफ से उसमें 200 MP कैमरा दिया जाए 11 Pro में, वो 5G होने वाला है। और गाइस यहाँ पर Redmi Note 10 Pro गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन है गाइस, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिका हुआ था। तो आप कमेंट करके बताओ गाइस ये फोन आपको कैसा लगा, Redmi Note 10 आप कमेंट कर बताओ। जो आने वाला फोन है Redmi Note 11 Pro गाइस काफ़ी उसके बारे में आपका क्या राय, अपना कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बस चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना।